मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से खबर आई है कि केरला की दो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को वंदे भारत ट्रेन में बदल सकते हैं। ये दो जनशताब्दी एक्सप्रेस अभी केरला स्टेट में तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड और दूसरी तिरुवनंतपुरम से कन्नूर के बीच में चलती है। तेजस और जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले में वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करना अधिक महंगा पड़ता है। तो अब बात निकल के आ रही है कि जनशताब्दी एक्सप्रेस और तेजस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले ज्यादा पैसा देकर वंदे भारत के एसी चेयर कार में यात्रा करेंगे या नहीं। वंदे भारत ट्रेन का फेयर ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। इस रूट के कुछ यात्रियों का कहना है कि मौजूदा जनशताब्दी और तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों के वंदे भारत ट्रेन में बदलने से अच्छा कि कोची बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम बेंगलोर रूट के लिए दो नई वंदे भारत ट्रेन को चलाना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन के अलॉटेड स्टॉपेज बहुत कम होते हैं। अभी इंडिया में सिर्फ दो वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पहली वंदे भारत ट्रेन न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है जो कि 757 किलोमीटर का सफर करती है, जिसमें सिर्फ दो स्टॉपेज आते हैं। दूसरी वंदे भारत ट्रेन न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के बीच चलती है और ये ट्रेन 655 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस ट्रेन के न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के बीच में सिर्फ तीन स्टॉपेज ही हैं, जबकि जनशताब्दी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस का ही वर्जन है और इस ट्रेन का टिकट भी सबके पहुंच के अंदर होता है। जनशताब्दी में एसी चेयर कार, नॉर्मल सेकंड क्लास सीटिंग और अनरिजर्व क्लास के कोचेज हैं। इस जनशताब्दी के रेक्स इंटरगर्ल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनकर तैयार हुए हैं, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस में लिंक हॉफमैन बुश एलएचबी के रैक इस्तेमाल होते हैं। इस दौरान रेलवे बोर्ड ने अपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट से कहा है कि पूरे इंडिया में अलग अलग रेलवे जोन में अगस्त 2023 तक वंदे भारत ट्रेन के लिए रिपेयरिंग फैसिलिटीज तैयार कर ले, जिससे कि आने वाले समय में देश में और ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सके। मगर अभी जो दो वंदे भारत ट्रेन चलानी है उनके रैक्स के ऊपर मिनिस्ट्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। ये अपनी दी हुई समय सीमा के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे या नहीं। इन दो ट्रेन के व्हील्स बाहर से इंपोर्ट होने और यूक्रेन रशिया वार की वजह से आने में लेट हो सकते हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन के रैक का काम इस साल जून तक खत्म होने का अनुमान है। इन दोनों ट्रेनों को नए डिजाइन के अंतर्गत इंटरगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार किया जा रहा है। रेलवे ने 44 ट्रेन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद में मेधा सर्वो ड्राइव्स को दिया हुआ है और 58 ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट 7 दूसरी कंपनीज को दे रखा है। अगर सब कुछ सही रहा तो रेलवे मिनिस्ट्री का 2022 में पूरे इंडिया में ऐसी 35 ट्रेन चलाने का प्लान है।